अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज हम जा रहे हैं मीरपुर ख़ास, क्योंकि वहाँ से लाएंगे हम आम, और आम भी वो जो कि होंगे बहुत ख़ास, क्योंकि वो होंगे बहुत अच्छी क्वालिटी के, फ्रेश, और मोस्ट प्रोबली हमें बड़ी अच्छी डील और रेट्स मिलने की उम्मीद है। प्लस हमें शायद मैंगो पिक करने का भी एक्सपीरियंस हो जाए फार्म से डायरेक्टली। तो जनाब, प्लान ये है कि हम जाएंगे मीरपुर ख़ास के एग्रीकल्चर सेंटर पे, और वहाँ पे इनका रिसर्च सेंटर भी है, वहाँ पे एक्सपो सेंटर भी है जहाँ सालाना मैंगो फेस्टिवल की एग्जीबिशन लगती है। 2011 में मैं गया था, इस फेस्टिवल को मैंने अटेंड किया था, और यहाँ पे इस फेस्टिवल में कोई 150 से ऊपर डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं। जी हाँ, 150 से ऊपर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ मैंगोज़, तो बहुत ज़बरदस्त और बड़ी शानदार वैरायटी होती है। और आप मेरे चैनल पे 2011 वाली वीडियो देख सकते हैं, ऑल्दो आई एम वेरी सॉरी कि उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही बेकार है। उस ज़माने में आपको पता है 2011 में किस किस्म के कैमरा हुआ करते थे मोबाइल्स के अंदर। बहरहाल, तो प्लान ये है कि हम जा रहे हैं मीरपुर ख़ास। रास्ते में हम सिर्फ एक स्टॉप करेंगे। इस वक्त फजर के पढ़ लिए हमने, 5:30 बजे का टाइम है, निकलने लगे हैं यहाँ से हम। बीच में सिर्फ बहरिया टाउन के पास एक रेस्टोरेंट आता है, वीआईपी उस्मानी, उस्मानिया वीआईपी रेस्टोरेंट, वहाँ रुक के हम नाश्ता फोड़ेंगे, और नाश्ता फोड़ते ही हम सीधा निकल जाएंगे मीरपुर ख़ास के लिए, बरास्ता हैदराबाद, टंडो जाम, टंडो अलायार, ऑल द वे टू मीरपुर ख़ास। चलिए फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह मीरपुर ख़ास में। भाइयों, प्लान में आ गया है ट्विस्ट, और वो ये कि हमें यहाँ मीरपुर ख़ास एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इन्होंने बताया है कि इस साल एक्सपो नहीं लग रही है, और चूंकि एक्सपो नहीं लग रही तो लिहाजा उसकी कोई तैयारियां भी नहीं हो रही, और कोई रौनक और हलचल भी हमें वहाँ नज़र नहीं आई। फार्म खुला हुआ है, हम अंदर गए भी, लेकिन कोई भी लोग वहाँ मौजूद नहीं थे सिवाय कुछ एक आध वहाँ के मुलाजमीन के। तो दूसरा चीज़ ये कि आज है जुम्मा, और आपको पता है जुम्मे और इतवार को मार्केटें बंद होती हैं, तो फ्रूट मंडी भी बंद है। अब फैसला ये किया है कि जब हम हैदराबाद से मीरपुर ख़ास जो एक्सप्रेस वे है उस पर जब आ रहे थे, तो हमने उसके दोनों तरफ ऐसे बहुत सारे थड़े देखे थे जहाँ पे लोग जो हैं वो आमों की बहुत सारी पेटियाँ और ढेरियाँ लगा के बैठे हुए थे और वो बेच रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे और कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई अच्छी सी डील जो है वो हमें मिल जाए। ये जनाब सुपर मदीना, ये जनाब सिंदड़ी पड़ा है, ये छोटा अनवर अटॉल पड़ा है। ओए होए हो, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ये आप आम चेक कैसा करो भाई ये? यार, इसको जरा एक अनवर अटॉल के साथ रखना, ये आप देखें, ये अनवर अटॉल है ये, दे समय पकड़ के रखो। ये सिंदड़ी है ये कैसा और बाबा? ये आप दो दाने ले जाओ, मेरी तरफ से ये ले जाओ, मीठे होंगे। ये सर सिंदड़ी का अनवर बाप है, अटोल, ये तो अच्छा सिंदड़ी, ये तो है एक्सपोर्ट में, ये तो उठा दे। ये सिंदड़ी, अच्छा पैसे बताओ कितने साथ लो, आप बता दो। ये पका हुआ है यार, ये तीन तो हम तीनों के लिए, एक और तो पैसे ले लेना, कोई बात नहीं, पैसे ले लो, पैसे ले लो, बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ से हमने अनवर रटोल की पेटियाँ तो खुद चुन के बना ली हैं, क्योंकि इसका कहना है कि अनवर अटोल जो है वो सारा फल दरख्तों से उतर चुका है। लेकिन इसके यहाँ पे 3 बाग हैं, और इसने कहा है कि अगर आपको सिंदड़ी और दीगर आम जो हैं वो खुद डायरेक्ट जाके बाग से उतारने हैं,
पिक करने हैं या आपने चूज़ करना है कि किस पेड़ से आपको कौन माल चाहिए, तो ये भी वो कर सकता है। तो हमने अनवर एटोल की पेटियां तो यहाँ से ख़ुद बना ली हैं, लेकिन हम सिंदड़ी और दूसरे आम जो हैं वो अब लेने इनके साथ इनके बाग जा रहे हैं, और वहाँ देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन है। ताजपुर गांव है, और ताजपुर गांव के पास सुपर मदीना ठीक है, मार्केट होटल इसका भी मार्केट होटल सुपर मदीना रेस्टोरेंट है, सुपर मदीना इसका फोन रेस्टोरेंट के नंबर ले लो यार सामने। आंजे भाई, बस फोन नंबर ले ले आप, रास्ता समझ। हां रास्ता कर लेंगे भाई, होता जी है जी, बताएं नंबर 0344 0344 687 687 3631 3631 सतराम गुलाब 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 ठीक है। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं दुसेरी जो है वो ये तोड़ रहे हैं, सतराम ही भरी सतराम, ओ सतराम दुसेरी आम जो है ये देखो सर, ये खा के देखो उसका थोड़ा जायका देने के, देखो अच्छा आम का पका हुआ है ये, जरा पका हुआ दुसेरी और ये इस कट्टे में भरेंगे। ये जनाब आप कंपेयर करें ज़रा साइज़ को, ये वाला दुसेरी है और ये वाला आलम कौन सी किस्म है, या तो सिंदड़ी है या वो कौन सा कह रहा था आबू, रटोल का भी इसका रेट कम है लेकिन ये रटोल से भी जायके में अच्छा है। ये अलमास है भाई, ये वीडियो कॉल अलमास। हाँ ये भी ले, आपको गर्मी बहुत हो गई ना। हाँ आप इतनी गर्मी में निकले नहीं हो। नहीं मसला ये है कि भाई इतनी गर्मी नहीं होगी तो ये आम कैसे बनेगा फिर।
अच्छा ये सिंदड़ी है। ये जनाब गुलाब खास थोड़ा कपड़े पे रगड़ के गुलाब खास हमें जबरदस्त यार बाग में मेरा माल पटना ना उसमें बाग में तो घुर गए गाड़ी को मार दिखी गए तो बाग में तो दे देना पड़ता हां हां तो के अंदर का मेरा ये आम चेक करें, डबल आम है भाई। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, हाँ अभी एक कट्टा और आ रहा है, उसको भी एडजस्ट करेंगे। ये कार्बाइड हाँ कितने पैसे हो बताओ ना हमारे में, पहले वो लगा लो यार, हिसाब लगाओ पहले। नाज़रीन ये आप आम चेक कर सकते हैं, इतना बड़ा सिंदड़ी आम जो है वो बहुत ही शादो नाजर आपको जो है वो मिलेगा, ह्यूज साइज का माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का, मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी प्लस प्लस और एक प्लस और।